गुजरे जमाने की शान जावा बाइक अब फिर से नए अवतार में, शोरूम आपके शहर सागर में भी उपलब्ध। तो आज ही लीजिए नई जावा बाइक, पता जावा शोरूम, बरसा इंडस्ट्रीज के बाजू में, भगवानगंज सागर। क्या कोरोना अब सर्दी जुखाम तक सीमित रह गया है? इस बार कोरोना से कहीं डर नहीं दिख रहा है, तभी तो आज सागर में कोरोना के आंकड़े 460 तक पहुंच गए। लेकिन न ही सिकन प्रशासन के चेहरे पर थी, न ही चिंता की लकीर जनता के माथे पर दिख रही है। आज सागर जिले में कोरोना का आंकड़ा 460 तक पहुंच गया, जो इस जनवरी माह का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सागर में चारों तरफ से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, इस लिहाज से शहर से लेकर गांव में कोरोना ही कोरोना देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच दुखद खबर है कि सागर जिले के बिलहेरा में रहने वाले एक शख्स ने, जो पॉजिटिव था, जिसने आत्मदाह कर खुद अपनी जान ले ली, उसका बीएमसी में इलाज चल रहा था, वह बीएमसी से भाग कर गाँव वापस आ गया और उसने यह घातक कदम उठा लिया। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमेश पटेल, मीडिया प्रभारी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। आज है 21 जनवरी। आपको कोरोना से संबंधित मरीजों का अपडेट दे देता हूं। आज हमारी बीएमसी की फिल ओपीडी में 75 कोरोना संदिग्ध मरीजों को इलाज दिया गया है। बीएमसी में आज 3 कोरोना संदिग्ध एवं 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज इलाजरत हैं। बीएमसी से आज 2 लोगों को होम आइसोलेट अथवा डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 6 नए संदिग्ध मरीजों को भर्ती भी किया गया है। बीएमसी से आज किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना नहीं है। बीएमसी की वायरोलॉजी लैब से आज 260 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। बात करें आईसीएमआर पोर्टल की, वहां पर आज यह संख्या 460 है। अंतर इसलिए है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से बीएमसी से जितने भी लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती थी, उनका बुलेटिन जारी कर दिया जाता था, किंतु सर्वर से लो होने के कारण आईसीएमआर पोर्टल पर पूरी संख्या में केस अपडेट नहीं हो पाते थे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ दिनों से आईसीएमआर पोर्टल की संख्या बीएमसी से कम आ रही थी, वह सभी संख्या आज अपडेट हो गई, इसलिए आज वहां पर संख्या 460 है। किसी भी प्रकार से पॉजिटिव की संख्या को घटाया या बढ़ाया नहीं गया है। आप सभी साथियों से निवेदन है, किसी भी प्रकार से भ्रामक या गलत जानकारी प्रेषित ना करें, सावधानी बनाए रखें, कोरोना के लक्षण आने पर अपने आप को आइसोलेट करें, चिकित्सक की सलाह लेकर उचित उपचार लें, शासन और प्रशासन के नियमों का पालन करें। धन्यवाद। बहरहाल कोरोना को लेकर बाजारों में कोई डर नहीं है, प्रशासन डर नहीं रहा है, लिहाजा जनता बेफिक्री के आलम है। मास्क की बस फॉर्मेलिटी बची है, उसे बस निभाया जा रहा है। फिर भी इस तीसरी लहर के कोरोना से आप डरें भले ना, लेकिन आपको सतर्क जरूर रहना चाहिए। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ सागर।